मोदी सरकार हर बेघर को घर दिलाने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के शासन में बुंदेलखंड के गरीबों से उनके आशियाने उजाड़ने की साजिश की जा रही है। देखिए बेईमानों की पोल खोलती ये खबर। पूरी जिंदगी पैसा कमा कर हर किसी का ख्वाब होता है खुद का एक घर बनाने का, लेकिन वहीं सोचिए कि उनके दिल पर क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला होगा कि जिस जगह पर उन्होंने जन्म लिया अब वो किसी और की हो चुकी है। भ्रष्टाचार और बेईमानों की पोल खोलने वाला मामला मऊ रानीपुर का है। ग्राम मऊ देहात के मोहल्ला बड़े हनुमान मंदिर के पास पड़ी जमीन पर कई पीढ़ियों से लोग यहाँ रह रहे हैं। इस घनी बस्ती में सैकड़ों मकान बने हुए हैं। बताते चलें कि आज़ादी के समय से ही ग्राम सभा की इस बंजर जमीन पर लोग घर बनाकर रहने लगे थे, लेकिन अब तीन लोगों द्वारा जालसाजी करके ग्राम सभा की बंजर पड़ी जमीन को अभिलेखों में दर्ज कराकर अपने नाम पट्टा करा लिया गया है। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? कई साल है, हमें तो मालूम तक नहीं है कि जब से कई बरस। अच्छा, ये जमीन जहाँ पे आप लोगों के मकान बने ये क्या जमीन, किसकी जमीन थी? बहती आबादी है, सरकारी सरकारी जमीन है। अच्छा, तो अब क्या मामला आया है यहाँ पे सामने? आप सब का कोई पट्टी कर रहे अतकाइन के लाने, नेतागिरी के लाने में नेता लोगों ने पट्टे कर दिए हैं। तो क्या आप लोगों को मकान खाली करने के लिए बोला गया है? आदेश दे रहे हैं SDM साहब। अच्छा, कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? कम से कम 250 परिवार ही। 250 परिवार है। इस संबंध में आपने अधिकारियों से बात की? हाँ साहब। क्या बोला उन्होंने? वे तो कुछ जवाब नहीं बोले। जब बोले थे कि काको अगर तुम जमीन उसकी है तुम लोगों ने घर बना लिए। जब वहाँ रहने वालों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पट्टा अस्वीकृत कराए जाने की मांग की। आपको बताते चलें कि इस आबादी वाली जमीन पर पट्टा धारकों का कभी कोई कब्जा नहीं रहा तथा उक्त जमीन पर कभी खेती भी नहीं हुई। पूर्व से ही वहां पर मकान बने हुए हैं। वहां रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि जालसाजी करके जमीन का पट्टा अपने नाम करा लेने वालों द्वारा उक्त जमीन को खाली करने की धमकी भी दी जा रही है, जिसकी मोहल्लेवासियों ने जांच कर कार्यवाही करने की मांग की है। आप लोग यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? हम 75 साल की तो हमें कहीं पैदा हुआ है। अच्छा, तो अभी ये क्या मामला है? ये जमीन जहाँ पे आप लोगों का मकान बना है ये जमीन सरकारी है क्या क्या थी ये? सब बसीगत है, जब से हमारे बाप दादे हमारे बब्बा। तो अब क्या सामने आया है आपके सामने मामला? अब जो आया है कि सब पट्टे हो गए हमारे। अब गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासन इतने समय से रह रहे लोगों की जमीन पर उनका पट्टा क्यों नहीं करा पाया? आखिर इतने समय से जिम्मेदारों ने अपनी आंखें क्यों मूंद रखी थी? इतना ही नहीं, जब पट्टा किया गया तब उस जमीन का मुआयना क्यों नहीं किया गया? ये वो बड़े सवाल हैं जिनमें से साफ तौर पर भ्रष्टाचारी की गंध आ रही है। कई सवाल ऐसे हैं जो उन तीन जालसाजों के साथ कई अधिकारियों व राजनीति में वर्चस्व रखने वालों को शक के दायरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बिना प्रशासनिक और राजनीतिक मिलीभगत के इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता। ये बड़े हनुमान मोहल्ले का जो प्रकरण आया संज्ञान में है, इसमें कान्नायपलार कानगो लेखपाल की टीम भेजकर पूरे प्रकरण की जाँच कराई जाएगी कि जमीन की श्रेणी क्या है और उसमें किस प्रकार लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, इसको जांच कराकर विधिक कार्रवाई इसके संबंध में की जाएगी। अगर ये भी मान लिया जाए कि उस जमीन पर रह रहे लोग गलत तरीके से कब्जा करके रह रहे थे तो कई दशकों से प्रशासन क्या कर रहा था? फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन वहां रह रहे गरीब किसी भी कीमत पर अपने आशियाने को उजड़ते नहीं देख पाएंगे। उनका कहना है कि वह विरोध करेंगे। आप लोग कितने साल से यहाँ रहते हैं? हमें तो साहब, हम तो जब से आए जब से हमारे साथ सब खान से दीदी जिंदगी कट गया। अच्छा।
और ये जो जमीन अब पट्टे की बात हुई है कि आप लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे किसी ने पट्टा कर दिया है इस जमीन का, तो आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग रोड पे खड़े होंगे, किसान सान पे खड़े होंगे, बाल बच्चे लेके अगर अधिकारी आप लोगों की बात नहीं सुनते तब आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग तो अनशन पे बैठे भूख मरेंगे या उन्हें तो क्या पूरी बस्ती धरने पे बैठेगी? हाँ पूरी बस्ती। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।